मथुरा रेलवे जंक्शन से जीआरपी ने 3 चोरों को प्लेटफॉर्म नंबर 4 से गिरफ्तार किया है। यह शातिर चोर यात्रियों के साथ लूटपाट और चोरी की घटना को अंजाम देते थे। यह शातिर चोर रेलवे स्टेशन के अलावा शहर में भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर यात्रियों को अपना निशाना बनाते थे। जीआरपी को मुखबिर की सूचना मिली कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर शातिर चोर चोरी की योजना बना रहे हैं। तभी जीआरपी ने चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान जीआरपी ने 3 शातिर चोर जगमोहन, साहिल और तेजवीर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए शातिर चोर जगमोहन निवासी शाहगंज आगरा, सोहिल और तेजवीर निवासी जचौंदा थाना गोवर्धन मथुरा हैं। पकड़े गए शातिर चोरों का जीआरपी आपराधिक इतिहास खंगाल रही है और ये भी पता कर रही है कि कौन कौन लोग इनके साथ इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस ने शातिर चोरों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 2 चाकू बरामद किए हैं। आज अर्ली मॉर्निंग 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया, प्लेटफॉर्म नंबर 4/5 दिल्ली साइड से, जिनके कब्जे से 6 मोबाइल, 2 चाकू बरामद हुए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त, एक अभियुक्त सोनू सागर का रहने वाला है, जिसके खिलाफ 2016 में 392 IPC का मुकदमा और गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। 26 तारीख को छूट गया है, फिर कार्रवाई करने को अपराध करने लगा। और एक जचौंदा का है सोनू और सुलेमान, ये भी NDPS एक्ट में जेल गया है गोवर्धन थाने से 2015 में। अभी फिलहाल 1 महीने पहले छूट गया है। और चेक पत्री, मोबाइल छीनना, मोबाइल चोरी करना, इनका अपराध करने का तरीका है। किस तरह से घटना को अंजाम देते हैं? ट्रेनों में जैसे ही बैग मिल जाए, पर्स मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, उसे उठा के चल देते हैं और डराए धमकाने के लिए चाकू रखते हैं। पुलिस के हाथ कैसे लगी? चेकिंग में पूरा चेकिंग किया जाए। कब से कर रहे हैं ये? काफ़ी दिन से अपराध कर रहे हैं। अभी फिलहाल कुछ 2 तो छूट के जल्दी आए, निकट भविष्य में आए। अभी इनसे क्या क्या बरामद हुआ है? 6 मोबाइल, 2 चाकू। क्या मथुरा में ही कर रहे थे या बाहर भी करते हैं? ये दान घाटी में भी करते हैं, मथुरा में ही करते हैं, जहाँ भीड़ भाड़ रहती है, रेलवे स्टेशन पर भी करते हैं, हर जगह करते रहते हैं।